और जितने भी लोगों को दुख हुआ है मेरी वजह से, मेरी कुश्ती हारने वजह से, उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। और यही चाहता हूँ कि आप निराश ना हो, क्योंकि एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं मानता हूँ कि मेरे से मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पे दे पा रहा आज तक की जितनी मेरी कुश्ती लड़ी है। मैं खुद मानना कि ऐसी कुश्ती मैंने नहीं लड़ी कभी, पर यह है कि बहुत लोगों मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, दुखी हैं। मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ जो मेरे देश, जो देश के लिए सोचती हैं और देश के लिए और मेरे लिए दुखी हैं, कि प्लीज़ दुखी ना हो आप और आगे बात जीत होती है। और मैं फिर कोशिश करूँगा देश के लिए खेलने की, और आज तक देश के लिए लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, और आगे भी आप तक जीतते भी हारेंगे, पर हाँ कि देश के लिए जीतते हैं और देश के लिए हारते हैं। आप सब से यही है कि आप नाराज़ ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। मैं आपसे फिर माफ़ी मांगता हूँ मेरी हार की वजह, जिसको भी दुख पहुँचा। बस मेरे को नहीं की चिंता है, जो मेरे अपने में शुभ चिंतक है। अगर कोई किसी का फैन है जो वो भोगते हैं, वो भोगते रहने दीजिए, मेरे को कोई परवाह नहीं। मेरे को बस अपने लोगों की, जो मेरे शुभ चिंतक है, उनके उनका उनके बारे में सोचता हूँ मैं। क्योंकि क्या तो कितने हैं जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उसके वो हैं, उसके फैन हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। क्योंकि कुत्तों भोंकने का वो पूरा हक है देश में, हमारे हिंदुस्तान में, भोंकने दीजिए किसी को भी। हाँ, जो मेरे चाहने वाले भी, जो देश के लिए दुखी हैं, मेरे लिए दुखी हैं, उनसे मैं फिर हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आगे फिर अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और जो मेरे साथ हमारे जूनियर बच्चे हैं, उनको भी और ज़्यादा मेहनत कराएंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं, पिछले 4 साल से बस मैंने मेहनत की और उससे अलावा कोई काम नहीं किया। हाँ, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर ठीक गलत जो मेरे को लगता है मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, उसको मेरे कोई रोक नहीं सकता। उसको चाहे कोई हो, चाहे कोई ब्रांड एम्बेसडर की बात हो, कोई भी हो, जो मेरे को गलत लगे तो मैं बोलूँगा, और ना इस चीज़ को कोई रोक सकता मेरे से करने के। बस ये सीधी बात यह कि जो मेरे देशवासी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, वो बस नाराज ना हो, परेशान ना हो, खुश रहें। और भगवान ने चाहिए तो आगे बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत टूर्नामेंट है, ओलंपिक फिर 4 साल बाद आएगा, हम और बच्चों की तैयारी करवाएंगे, खुद करेंगे। बस आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं मैसेज लिख कर भेजूँ आपके पास, पर मैसेज नहीं, मैं सोचा कि मैं सीधा सीधा आपसे मिलूँ, आपसे जुड़ूँ और खुद गलत मतलब अपने माफ़ी मांगूँ आप लोगों से, जो मेरे से मेरी वजह से दुखी हुए और आप सबने इतनी परे की, इतने प्रार्थना की, हवन किए। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देखती, आगे फिर कोशिश करेंगे और आपकी उम्मीदों को खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आपको सही है, और सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि लड़ता एक है, उसके पीछे बहुत खड़े होते हैं। इसलिए आपने इतनी प्रे की भगवान से, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे भी आप मेरे साथ रहिए। जय हिंद।